नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी के पीईटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक्स के आगे के जो है कक्षा के लिए जो है नियोजन टॉपिक को जो है सिलेक्ट किए हैं, और नियोजन के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि नियोजन क्या है, नियोजन क्यों अपनाया जाना जरूरी है, और भारत में जो है किस तरीके से नियोजन के माध्यम से विकास के उच्च स्तर को जो प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया है। तो यहाँ से भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो नियोजन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी और एक कांसेप्ट आपके बारे आपको उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इस आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है नियोजन को जो थोड़ा सा समझने का जो प्रयास करेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो हम इसी को बात को समझ लेते हैं कि नियोजन क्या है। नियोजन क्या है, बेसिकली नियोजन का तात्पर्य है कि पूर्व योजना एवं रणनीति के माध्यम से मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करना ही नियोजन है। नियोजन का तात्पर्य हर व्यक्ति हर जगह नियोजन को अपनाता है। जब हम इकोनॉमी के क्षेत्र में जो है इस तरीके के पूर्व कार्य योजना और रणनीति बनाते हैं तो उसको नियोजन कहा जाता है। व्यक्ति अपने घर में अगर भी देखा जाए तो वहां पे भी एक प्लान बनाता है काम करने का, हमें कैसे करना है। अगर कोई विद्यार्थी है तो अपने जीवन में वो परीक्षा को लेकर के भी एक प्लान बनाता है कि हम इतने समय में ये विषय इतने समय में ये विषय पढ़ेंगे, एग्जाम के 5 दिन पहले से हम क्या करेंगे, कब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का वो एक प्लान बनाता है। उसी तरीके से जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर में जो है विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा इस तरीके से पूर्व योजना बनाया जाता है, रणनीति बनाई जाती है जिससे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग करके विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया जाए, तो वह स्थिति ही नियोजन कहलाती है। और भारत में इसको प्रारंभ से ही अपनाया जाता रहा है। वर्तमान समय में भी उसके स्वरूप में थोड़ा सा नीति आयोग के आने के बाद परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी एक योजना बना करके विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के रूप में नियोजन की अवधारणा अभी भी जो है व्यक्त हो रही है। तो कुल मिलाकर के नियोजन का हमेशा से जो है महत्व रहा है। भारत में हम नियोजन को समझने से पहले आर्थिक नीति को समझेंगे और आर्थिक नीति के अंतर्गत जो है नियोजन को समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक नीति किसे कहते हैं। कई प्रकार की देश के द्वारा जो है नीतियां बनाई जाती हैं, उसी में एक नीति है आर्थिक नीति। कई प्रकार की शैक्षिक नीतियां होती है, आर्थिक नीतियां होती है, जनसंख्या से संबंधित नीतियां होती है, तो हर क्षेत्र में वैदेशिक नीति होती है, हर प्रकार की जो है नीतियां होती हैं। किसी क्षेत्र में नीति का तात्पर्य है वहां पे मोटे मोटे नियमों का जो है एक संकलन, जिसका कि उस क्षेत्र में संबंध बनाने में विकास करने में अनुपालन किया जाना है, मतलब अपनाया जाना है। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बनाई गई जो योजना होती है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र में विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया जाना संभव हो सके, वह स्थिति ही क्या कहलाती है, आर्थिक नीति कहलाती है। आर्थिक नीतियों को मूल रूप से अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो है क्रिया नियंत्रक नीति है, एक नियंत्रक नीति है, और दूसरा है क्रियान्वयन की नीति। क्रियान्वयन नीति है, इसको क्रियान्वित किया जाता है और इसके माध्यम से जो है नियंत्रण की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो क्रियान्वित नीतियों में अब यहां पर जो है नियोजन, नियोजन की भी नीति होती है, कृषि नीति होती है, कृषि के क्षेत्र में कैसे विकास करना है, औद्योगिक नीति होती है, औद्योगिक नीति होती है, इसी तरीके से व्यापार नीति होती है, जनसंख्या नीति होती है। ये जो है कुछ नीतियां हैं जो क्रियान्वयन जो है के माध्यम से विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करती हैं। इसके अंतर्गत जो है राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति, और दूसरा है जो है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। तो ये जो है आर्थिक नीतियां एक संकलन करता है भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नीतियों को निर्धारित करने के रूप में। आर्थिक नीति एक व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार की क्रियान्वयन नीति और नियंत्रक नीतियां होती है। क्रियान्वयन नीति में नियोजन नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति और जनसंख्या नीति आती है।
इसी तरीके से नियंत्रक नीतियों में जो है राजकोषीय नीति आती है, सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति बनाई जाती है, इसके अंदर इसको फिजिकल पॉलिसी भी कहा जाता है, फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार करारोपण और उसके माध्यम से अपना राजस्व प्राप्त करने की भी बात करती है। राजकोषीय नीति व्यापक होती है। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, फ्लो यानी कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में पैसे या धनराशि की उपलब्धता होगी, वो मॉनिटरी पॉलिसी के माध्यम से होती है। इसीलिए इसी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के रेट, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, पीएलआर इत्यादि नीतियां होती हैं कि किस तरीके से बैंकों को किन क्षेत्रों में लोन देना है, कितने प्रतिशत ब्याज पे देना है, कितना उन्हें लिक्विडिटी के रूप में रखना है, किस दर पर जो है आरबीआई उन्हीं को जो है ब्याज पर जो है लोन देगी, किस तरीके से आरबीआई के पास अपने वाणिज्यिक बैंक रखेंगे, तो ये सारी चीजें जो है मॉनिटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। तो बेसिकली दो प्रकार की नीतियां होती है। यहाँ पर हम लोग एक मोटे रूप में जो है इसको समझ लेते हैं, एक आउटलाइन के रूप में समझ लेते हैं, खाका के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन आज का हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली नियोजन को समझना है। तो नियोजन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर चर्चा करने के रूप में। तो बेसिकली नियोजन को हम लोगों ने समझा कि विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के माध्यम से विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु पूर्व में बनाई गई रणनीतियों का योजना ही नियोजन कहलाती है। तो भारत में अगर देखा जाए तो नियोजन जो है बहुत ही पहले से, स्वतंत्रता के पहले से ही शुरू हो गया था, किसी न किसी रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा था, और स्वतंत्रता के बाद उसका एक स्पष्ट रूप से चेहरा और फिगर सामने निकल करके आता है। तो 1934 ईस्वी में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो उनकी पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, में 1934 ईस्वी में उन्होंने योजना प्रस्तुत किया था। तो इस योजना के जो है माध्यम से देश में विकास की रणनीति को प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया था। तो सबसे पहली बार प्रयास कब किया गया था, 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया। एक तो एम विश्वेश्वरैया एक फैक्ट हो गया, दूसरा एक फैक्ट ये हो गया कि इन्होंने 1934 ईस्वी में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया था, और 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है 1938 में बनाई गई थी, अध्यक्षता किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1943 ईस्वी में श्रीमन नारायण के द्वारा जो है गांधीवादी योजना जो है प्रस्तुत की गई थी, ये भी एक फैक्ट है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख लेना आवश्यक है। 1944 ईस्वी में आर देसिर दलाल के माध्यम से बॉम्बे योजना प्रस्तुत की गई थी, और यह योजना जो है 8 उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर के बनाई गई थी, बॉम्बे योजना। ये पूछा भी गया क्वेश्चन, लेकिन चूंकि हम उसके आगे पीछे की भी कुछ कहानी को जोड़ रहे हैं जो कि ऐतिहासिक स्तर पर जो है क्रमिक रूप से एक विकास को अभिव्यक्त करता है, तो 45 ईस्वी में हम आकर के देखते हैं कि एम एन राय के द्वारा जो है जन योजना प्रस्तुत किया गया था। अभी हम यहाँ पर इसको तथ्यात्मक रूप से देख रहे हैं, और इसी तरीके से जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में जो है सर्वोदय योजना, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में जो है पूछा गया है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था, 1950 ईस्वी में। तो ये एक डेटा निकल करके सामने आता है जो क्रमिक रूप से भारत में नियोजन को अभिव्यक्त करता है, और ये सारी अभिव्यक्तियां जो है स्वतंत्रता के पूर्व में रही है। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में नियोजित ढंग से विकास के लिए प्रयास अपने अपने स्तर पर अलग अलग जो है विचारकों के द्वारा चल रहा था। तो 1934 से लेकर 1950 तक की कहानी को ये लोग व्यक्त करते हैं। भारत में नियोजन की अवधारणा को देखा जाए तो ये अवधारणा जो है रूस से लिया गया है, और रूस में स्टालिन को इसका जनक माना जाता है। रूस में जो है स्टालिन को जो है यहाँ पे जनक माना जाता है। भारत में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो इस प्रकार के कार्य जो प्रारंभ किए गए, और उन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान मतलब योजना से संबंधित है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से देश में पहली बार कुछ योजना प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से पूर्व नियोजित ढंग से विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने की बात कहीं ना कहीं कही गई थी। तो ये बातें जो है नियोजन के संदर्भ में निकल करके सामने आती हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से जो है नियोजन के माध्यम से विकास करने पर जो है बल दिया गया है। तो
भारत में जो है दो संस्थाएं राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग बनाया गया था। यद्यपि योजना आयोग का अस्तित्व वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो जानना जरूरी है कि योजना आयोग जैसी भी कोई संस्था थी जो योजना का निर्माण करने का कार्य करती थी और अंतिम रूप से उस पर जो है अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद का दिया जाता था। योजना आयोग बनाई गई थी 1950 ईस्वी में ही बनाई गई थी और इसके माध्यम से इस तरीके से योजना को क्रियान्वित करने का काम किया गया। खैर वो बात अलग है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना, इनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं जो है बनाई जाती रही हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में जो है मूल रूप से कृषि के विकास पर बल दिया गया। ये एक बेसिक फैक्ट है जिसे आपको समझना होगा और यह हैराड डोमर मॉडल पर जो है आधारित था। इसमें कृषि पर मूल रूप से जो है विकास किया गया था और इसी में जो है 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि पहले पंचायतों के समय में हम लोगों ने पढ़ा था, 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया था। ये सारी जो सिंचाई से संबंधित, कृषि के विकास से संबंधित योजनाएं हैं। तो बेसिकली इसके साथ साथ में हम लोग कुछ आर्थिक रूप से विभिन्न प्रकार के प्रगतियों को भी जो समेटने का प्रयास करेंगे जिससे आपका इस क्षेत्र की जो है तैयारी हो सके। कोई जरूरी नहीं कि हम किसी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो उसी टॉपिक में वो सवाल पूछा जाता है, उससे संबंधित भी टॉपिक से सवाल अगर आते हैं तो उसको भी हम इसी के साथ जो समेटते हुए चलेंगे ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ली जो है आपकी तैयारी हो सके और उससे संबंधित अगर सवाल परीक्षा में पूछे जाते तो आपको हल हो सके। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है मूल रूप से जो अगर देखा जाए तो उद्योग को, बाकी तो और सभी कृषि को तो शामिल ही किया गया था लेकिन उद्योग को मूल रूप से जो है इसमें शामिल करने का जो प्रयास किया गया था। इसमें राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो है औद्योगिक संस्थान की भी जो स्थापना की गई। राउरकेला जो है उड़ीसा में है और इसी तरीके से भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर आपके पश्चिमी बंगाल में है। तो यहाँ पे इसके माध्यम से जो है उद्योगों की जो है स्थापना की गई, लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई, यानी कि उद्योगों में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर औद्योगिक संस्थान की जो है यहाँ पे स्थापना की गई और इसके माध्यम से उद्योगों के विकास पर जो है बल दिया गया। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित थी। तो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों पर बल दिया गया, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर जो है ये आधारित थी और इसमें जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे जो है संस्थानों की भी स्थापना की गई। अब तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये एक जो इसमें मूल जो विशेषताएं रही हैं हमें उसी को समझना है और ये व्यवस्थाएं बहुत ही पहले की थी और पहले से जो है विकास के खाका और मॉडल को जो है प्रस्तुत करती थी। तो इसमें आत्मनिर्भर एवं स्वप्रेरित अर्थव्यवस्था, ये जो है इस टॉपिक पर बल दिया गया। आत्मनिर्भर एवं स्वप्रेरित अर्थव्यवस्था पर जो है बल दिया गया। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो तीन लोग थे, इसमें पीसी महालनोबिस भी थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस थे, जे सैंडी थे और सुखमय चक्रवर्ती, पूरा नाम यही है सुखमय चक्रवर्ती, खैर साथ में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें तीन लोग थे, तो थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है आत्मनिर्भर एवं स्वप्रेरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था और तीन लोग इसमें जो शामिल थे जिनके मॉडल को इसमें स्वीकार किया गया था, तो पीसी जो है महालनोबिस, जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती को इसमें जो है शामिल किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो कुछ समस्याएं भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो है आई थी और इसी के कारण से इसमें जो है विकास के उच्च स्तर को हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए थे। और इसी में 1962 ईस्वी में अगर देखा जाए तो भारत चाइना का युद्ध हुआ और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1964
66 और 67 ईस्वी में भारत में जो है अकाल की स्थिति जो है उत्पन्न हुई, तो ये तीन फैक्टर जो थे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जो है प्रस्तुत करते हैं। तो इस चीज आप कहने का मतलब यहाँ है कि इसको पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी जानकारी जो है मिलती जा रही है, इसका भी एक डेवलपमेंट होता जा रहा है कि एक क्रमागत रूप में जो भारतीय अर्थव्यवस्था किन किन घटनाओं के साथ होती गई, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या क्या अपनाती रही जिससे कि विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सके। तो ये भी एक फैक्ट एंड फिगर्स इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना होगा कि 1962 और 66 में जो ये चीजें निकल करके आएगी। लेकिन इसी के दौरान 1965 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि FCI की स्थापना हुई जो खाद्यान्न के क्षेत्र में था उसकी क्वालिटी का जो है कंट्रोलिंग होती थी यहाँ पे, और बाकी जो है भारत में वफर स्टॉक को जो स्थापित करने के लिए संस्था स्थापित की गई, बाद में वो PDS से जोड़ करके राज्य की एजेंसियों को खाद्यान्न भी मुहैया करने का काम करने लगी। लेकिन इसका मूल रूप से जो 1965 ईस्वी में FCI जो क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ ये वफर स्टॉक की स्थापना के लिए बनाया गया था। इसी तरीके से 1966 ईस्वी में आपके हरित क्रांति को भी प्रारंभ किया गया। 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति प्रारंभ किया गया। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पहल था जिसके माध्यम से देश के खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में पहल किया गया। यहाँ पर जो है अच्छी किस्म के बीज, सिंचाई के साधन और उर्वरक इन तीनों चीज़ों के प्रयोग के माध्यम से जो किया गया, यद्यपि इसके सीमित फसल, सीमित क्षेत्र और सीमित किसानों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी देश में एक क्रांति के रूप में इसे स्वीकार किया गया और उत्पादन इससे बढ़ा जिससे लोगों की आवश्यकताओं को खाद्यान्न के क्षेत्र में पूरा किया जाना संभव हो सका। और रुपए का मूल्यांकन भी यहीं पर जो है किया गया पहली बार, 1966 ईस्वी में रुपए का मूल्यांकन भी जो है किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन ये फिगर है और तीन ये फिगर है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था जो है नुकसान में आई, और ये तीन ऐसे फिगर हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को हम लोग आगे कहीं ना कहीं ले जाने में जो है सफल हुए। तो ये चीजें जो निकल करके आती हैं कब तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जहां पर आत्मनिर्भर एवं स्वप्रेरित अर्थव्यवस्था थी और तीन प्रकार के लोगों के मॉडल पर ये आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर हम लोग आते हैं। यहां पर एक और चीज ध्यान में रखना है कि 1966 से लेकर के 1969 ईस्वी के पीरियड को योजना अवकाश कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? योजना अवकाश, यानी कि तीन वर्ष 1966-67-67-68-69 ये तीन वर्षों में जो है योजना नहीं बनाएगी, योजना अवकाश कहा जाता है इसी पीरियड को। और अगला जो चतुर्थ योजना था ये 1969 से लेकर के जो है 1974 के बीच में बनाया गया। तो ये योजना अवकाश आपको समझ में आ गया होगा, ये एक जो है इसी के बीच में जो है एक अलग प्रकार की जो है स्थिति उत्पन्न हुई जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष, तो जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है यहाँ पे चीजें आती हैं 1969 से 1974 के बीच में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई है जो है। तो आत्मनिर्भरता, स्थिरता, स्वावलंबन के साथ विकास पर यहाँ पे बल दिया गया। स्वावलंबन एवं विकास पर जो है यहाँ पे बल दिया गया। ये जो है अशोक रुद्रा, अशोक रुद्रा एवं DR गाडगिल, इन दोनों लोगों के जो मॉडल पर आधारित है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 ईस्वी तक थी, 1969 से 1974 ईस्वी थी। इसमें स्वावलंबन के साथ विकास पर जो है बल दिया गया, वहां पर आत्मनिर्भर एवं स्वप्रेरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया, यहां पर स्वावलंबन के साथ जो विकास पर बल दिया गया, और अशोक रुद्रा एवं जो है DR गाडगिल, अशोक रुद्रा एवं DR गाडगिल तृतीय पंचवर्षीय योजना तीन लोगों पर आधारित है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दो पर आधारित है, यानी दो का दो बार जाएगा तो चार होगा, यानी कि दोनों ही सम संख्याएं यहाँ पे हैं और तीन के साथ तीन था तो दोनों ही विषम संख्याएं हैं, दोनों ही तीन तीन है, तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। तो चतुर्थ में जो है चार और यहाँ पे दो लोगों के मॉडल को जो है एक्सेप्ट किया गया था, दोनों सम संख्या है तो याद करने के लिहाज से जरूरी स्वावलंबन एवं विकास पर इसमें बल दिया गया। 1969 ईस्वी में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी वो बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को,
बैंकों का यहां पर राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसे ध्यान में रखना है। और 1974 ईस्वी में भारत में जो भूमिगत परीक्षण का कार्य किया गया था, नाभिकीय परीक्षण पहला जो कार्यक्रम था, पहला नाभिकीय परीक्षण 1969 ईस्वी में किया गया था राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर। और इसे जो है क्या कहा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। इसमें क्या कहा गया, स्माइलिंग बुद्धा इसे कहा गया, स्माइलिंग बुद्धा इसे कहा गया। 1974 ईस्वी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। और ये था जो है नाभिकीय परीक्षण, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण था, और दूसरा चल करके बाद में 90 के दशक में जो होता है। और यहाँ पे पहली बार जो है 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये जो है डेटा चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है महत्वपूर्ण होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के, ये जब था तो ये 1979 तक, लेकिन ये 78 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो सबसे पहली बात इसकी थी कि ये 4 वर्ष का ही था, ये 4 वर्ष का ही जो है था। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसमें जो है गरीबी एवं आत्मनिर्भरता, गरीबी एवं आत्मनिर्भरता पर जो है बल दिया गया, गरीबी एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। 4 वर्ष की ही योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। तो यह ध्यान में रखना होता, हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है, लेकिन पांचवी स्वयं ही 4 वर्ष की हो गई। तो याद करने के लिए थोड़ा सा ये सही तरीका है कि हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की थी, लेकिन पांचवी ही जो कि 5 में होना चाहिए, लेकिन वो 4 ही वर्ष की हो गई, क्योंकि यहाँ पर जनता सरकार आ गई और उसने एक नया योजना जो है चक्रीय योजना, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो डीपी धर के द्वारा यहाँ पे लाई गई थी 1974-75 ईस्वी में। तो 1974 ईस्वी में यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1975 ईस्वी में बीस सूत्री कार्यक्रम, और 1977 ईस्वी में काम के बदले अनाज योजना। ये तीनों ही कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा में कई बार जो है आप लोगों के लिए जो है ये मिलान करने के लिए आता। तो 1974, 1975, 1977 ये एक क्रम से जो है आते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम का मतलब 75 से नीचे है, इसलिए न्यून की बात कही गई है, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 75 में कही गई है, और 77 में इसमें काम के बदले अनाज योजना यहाँ पर जो है प्रारंभ की जाती है। किसमें, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जो कि इसकी मूल विशेषताएं यही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो है 2 वर्ष पुनः पांचवी के बाद जो है 1978 से लेकर के 1900 जो है 80, यानी कि 78, 79, 80 2 वर्षों तक यहाँ पर चक्रीय योजना, जनता पार्टी सरकार आई जिसने चक्रीय योजना प्रारंभ किया, जिसे अनवरत योजना भी कहा गया, जिसे रोलिंग प्लान भी जो है कहा जाता था। इसके दौरान अगले 5 वर्ष के लिए जो है योजना प्रस्तुत की जाती, लेकिन हर 1 वर्ष के बाद उसका समीक्षा किया जाता था, उसके उद्देश्यों में जो परिवर्तन किया जाता था, उसके लक्ष्य में जो है पुनः संशोधन किया जाता था, ताकि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि रोलिंग प्लान या चक्रीय योजना या जिसे अनवरत योजना भी कहा गया था, वो 1978 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और ये गुन्नार के जो एशियन ड्रामा पर जो है आधारित था, उनकी पुस्तक का नाम है जो है गुन्नार के पुस्तक का नाम जो है एशियन ड्रामा है, और उसी एशियन ड्रामा पुस्तक पर जो है ये रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आधारित था। तो ये चक्रीय योजना जो है कहाँ से लिया गया था, चक्रीय योजना जो है गुन्नार मिर्डल के जो है एशियन ड्रामा पुस्तक से लिया गया था रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट, और जिसे भारत में अपनाए जाने का प्रयास किया गया था 1978 से 80। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक आप लोगों के लिए है। 1980 से लेकर के जो है 85 के बीच में जो है छठी पंचवर्षीय योजना जो है भारत में लागू की गई, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 में जो है लागू की गई। और इस दौरान जो है भारत में गरीबी एवं रोजगार पर बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, गरीबी का नारा भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। परीक्षा में कई बार पूछा, इसलिए ध्यान में रखना कि गरीबी का नारा जो है किसमें दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी के लिए जो कार्यक्रम इत्यादि होते थे वो आगे के जो है समय में जो है बढ़ाया गया। तो गरीबी
यौन रोजगार पर बल दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में, गरीबी गरीबी यौन रोजगार इस पर जो है बल दिया गया, लेकिन गरीबी उन्मूलन का नारा पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। गरीबी यौन रोजगार पर इसमें बल दिया गया और इसमें गरीबी निर्देशांक कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करने वाले व्यक्ति से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को ही गरीबी रेखा के नीचे जो है माना गया। तो गरीबी निर्देशांक जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना में आकर के बनाई गई। यहाँ पर जो है एक रोजगार का भी जो है मानक, रोजगार का मानक भी निर्धारित किया गया और इसमें यह बताया गया कि प्रतिदिन 8 घंटे के आधार पर यदि वर्ष में 273 यानी कि 8 घंटे और 273 दिन अगर साल में काम कोई व्यक्ति करता है तो वो रोजगार प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति माना जाएगा। तो यहाँ पे गरीबी निर्देशांक और रोजगार, गरीबी निर्देशांक और रोजगार के मानक को इसमें पहली बार जो है निर्धारित करने का काम किया गया किस पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में जो किया गया। इसी में जो है आपका 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, निर्यात से संबंधित है और 12 जुलाई 1982 एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा है जिसमें नाबार्ड की स्थापना की गई। तो क्रमिक रूप से जो भी प्रगतियां हो रही हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। तो 1982 ईस्वी में यह स्थापित किया गया, 1982 ईस्वी में नाबार्ड भी स्थापित किया गया। तो दोनों ही जो है इसके दौरान जो है एक प्रगतिशील व्यवस्थाएं यहाँ पर निकल करके जो है सामने आती हैं। ये सारी चीजें जो है किसमें हुई थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोगों को देखने को मिलता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 से लेकर के 1990 के बीच में चलती है। इसमें जो है आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता यौन सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर जो है इस पंचवर्षीय योजना के दौरान बल दिया गया। और इसमें जो है 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ किया गया, 1986 ईस्वी में कापाट भारत में शुरू किया गया और इसी तरीके से 1988 ईस्वी में जो एक महत्वपूर्ण संस्था सेबी की स्थापना किया गया जिसे 92 ईस्वी में जो है वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये भारत में शेयर मार्केट के संदर्भ में काम करती है और इनसाइडर ट्रेडिंग इत्यादि पर इसको कंट्रोल करना और निवेशकों के हित की सुरक्षा करना सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि 1988 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 92 वैधानिक दर्जा दिया गया। इससे संबंधित सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। और 1989 ईस्वी में जो है जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना दो योजनाएं भी जो है 1989 ईस्वी में जो है चलाई गई थी, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989 ईस्वी में जो है चलाई गई थी। तो ये चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय जैसे जो है मूल लक्ष्य को इसमें निर्धारित किया गया था और ये जो है क्रमिक रूप से जो है प्रगतियां इसमें जो है विद्यमान रही हैं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज आप लोगों को देखने को मिलता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी में, यहां पर ध्यान में रखना 90 तक ही जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना चली। तो दो वर्ष कहां चला गया, दो वर्ष एक्चुअली उस दौरान भारत में राजनीतिक अस्थिरता और देश में मुद्रा अवमूल्यन जैसी समस्याएं जो विद्यमान थी, तो भारत में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई थी, भारत में भुगतान संतुलन की जो समस्या उत्पन्न हो गई थी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे दो महत्वपूर्ण कारण थे। तो 1990 से लेकर के 92, तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो है 66 से लेकर के जो है एक बार पूर्व में क्या था 69, तो यहाँ पे 3 वर्ष था और इसी तरीके से जो है 78 से लेकर के 80 और इधर जो है 1992 से लेकर के जो है 90 से लेकर के 92, इतने वर्षों में जो भारत में योजना का कार्य जो नहीं हो पाया, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना
चाहिए कि यहाँ से सवाल भी परीक्षा में पूछे जा सकते थे और इसके लिए क्या कारण विद्यमान है वो भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर जो है चल रही थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम लोगों ने मानव संसाधन पर बल दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो है मानव संसाधन पर मूल रूप से जो है हम लोगों ने बल दिया था। 1993 ईस्वी में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अभी हम लोगों ने 89 में क्या बात किया, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया गया था और 1995 ईस्वी में 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WPO की स्थापना की गई, विश्व व्यापार संस्थान की स्थापना जो है संगठन की, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में सदस्य भारत जो है 20 का जो है हुआ और इसकी जो है स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ से जो है निकल करके जो है सामने आती हैं। और मानव संसाधन पर इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो है बनाया गया, उस दौर की सबसे सफल जो है पंचवर्षीय योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे चली। अभी 90 से लेकर के 92 में भी दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किया गया। इसे नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति कब शुरू किया गया, 1991 ईस्वी में, इसे ध्यान में रखना होगा। इस दौरान जो है 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार प्रारंभ किया गया और इसे नई आर्थिक नीति कहा गया, जहां पर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन कहा जाता है, LPG जिसको शॉर्ट में जो है कहा जाता है, कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। आर्थिक सुधार के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या को कम कर दिया गया और लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए जो है आवश्यक उद्योगों की संख्या सीमित कर दी गई, निजी क्षेत्र को खोला गया। तो आर्थिक नीति का जो है महत्वपूर्ण चर्चा था, इसे हम अलग से जो है लेक्चर में लेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में चर्चा कर देते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के रूप में जो सामने आती हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं, आठवीं पंचवर्षीय योजना हो गई, ये हम नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक था। सामाजिक न्याय और समानता पर इसमें बल दिया गया। सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय समानता के साथ जो है विकास, सामाजिक न्याय समानता के साथ इसमें जो है विकास पर बल दिया गया, जो कि 1997 से लेकर के 2002 के बीच में चली। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी जो है पूर्व के लक्ष्यों के साथ जो है सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, ये जो है 2 से लेकर के 7 तक और ये जो है 7 से लेकर के 12 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 12 से लेकर के जो है वो 17 तक, 2002 से 2007 तक, 2007 से 2012 तक, 2012 से 2017 तक चलाया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी पूर्व के विकास के लक्ष्यों के साथ साथ जो है देखा जाए तो सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में फास्ट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि तीव्र सतत एवं समावेशी, तीव्र सतत एवं समावेशी विकास, तीव्र सतत एवं समावेशी विकास। और 12 में भी जो है इसी ही लक्ष्य को जो है रिपीट किया गया। तो ये 2017 तक की जो है इस तरीके की गतिविधियां थी। और आपको जानकारी होना चाहिए कि 1 जनवरी 2015 को जो है भारत में नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है और ये नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है जो निर्देशात्मकता के साथ साथ भारत में नीतिगत मुद्दों पर जो है एक सलाहकारी संस्था है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से दीर्घकालीन योजनाएं भारत के लिए वर्तमान समय में प्रस्तुत की जा रही हैं।
तो वर्तमान समय में देश में जो है योजना के संदर्भ में जो कार्य है वो नीति आयोग के स्तर पर किया जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री होते हैं, उस तरीके से जैसे योजना आयोग के होती थे। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों ने आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियों के अंतर्गत दो प्रकार की मूलभूत नीतियाँ, क्रियात्मक नीतियाँ और क्रियान्वयन की नीतियाँ और नियंत्रक नीतियों को समझा। क्रियान्वयन वाली नीतियों में के अंतर्गत जो है कृषि नीति, नियोजन नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति और जनसंख्या नीति को समझा। इसी तरीके से नियंत्रक नीतियों के अंतर्गत राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियों को जो समझने का कार्य किया। हम भारत में किस तरीके से जो है नियोजन को अपनाए थे उसके बारे में, स्वतंत्रता से पूर्व क्या व्यवस्था थी, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और वर्तमान समय में नीति आयोग के माध्यम से देश में जो है योजना के विकास, योजना के माध्यम से जो है दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि नियोजन के बारे में आप लोगों को एक स्पष्ट जानकारी जो मिली होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में इसी के टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।